ओके दोस्तों, अभी हम लोग हमारा दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि 16 नंबर का जो सीरीज़ चालू हो रहा है फायर पंप के बारे में, IS था 12469, 2018 का स्टैंडर्ड था, अभी यही चल रहा है लेटेस्ट। उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ पंप्स फॉर स्टेशनरी फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, जहाँ पे भी हमारा फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होता है उसमें पंप कौन सा लगाना है, कैसा लगाना है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है और पंप के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, उसका टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी डिटेल जो है वो आपको फायर पंप से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड के अंदर मिल जाएगी। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रेंट सिस्टम के ऊपर जाते हैं। हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो मेनली दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो दोनों के हिसाब से दो अलग अलग स्टैंडर्ड है। एक्सटर्नल के लिए हम लोग 13039 2014 का स्टैंडर्ड है, 2019 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीअफर्म किया, जिसके अंदर प्रोविज़न एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम, जो जो जिस बिल्डिंग को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसके बाहर की तरफ अगर आप लगा रहे हो हाइड्रेंट सिस्टम, तो उसमें कैसे लगाना है, कौन से टाइप का लगाना है, उसका स्पेसिंग क्या रहेगा, उसका डिज़ाइन कैलकुलेशन क्या रहेगा, वो सारी जो डिटेल रहेगी वो आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगी। फिर दूसरा आता है 3844, 1989 में था बना हुआ, 2015 में इसको रीअफर्म किया गया, तो आज की डेट में भी वो सेम स्टैंडर्ड जो उसको फॉलो किया जा रहा है। इसके अंदर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम एंड होजरी लोज, दोनों चीज़ कवर किया है, क्योंकि हम लोग जब इंटरनल हाइड्रेंट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ होज बॉक्स हाइड्रेंट एंड ये नहीं लगाना है, उसके साथ साथ हमें होजरील भी उसके साथ ही लगाना होता है, तो दोनों चीज़ को इसके अंदर कवर किया गया है। फिर आता है स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर। सो स्प्रिंकलर का डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ किस तरह से रहेगा, उसके लिए 15105 2002 में रिलीज़ किया गया था और 2018 में इसको रीअफर्म किया गया है, तो आज की डेट में भी वही जो है वो चल रहा है डिज़ाइनिंग के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का। फिर आता है कि स्प्रे सिस्टम में कौन सा IS हमें फॉलो करना है, तो 15325 करके हैं, 2003 में इसको रिलीज़ किया गया था और 2018 में आज की डेट में भी वही सेम स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। सो कोड ऑफ प्रैक्टिस है डिज़ाइन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स ऑटोमेटिक हाई एंड मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, उसका जो भी डिज़ाइनिंग का क्राइटेरिया रहेगा किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी। फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फॉर्म कॉन्सेंट्रेट के ऊपर बात करेंगे। सो फॉर्म कॉन्सेंट्रेट जो है उसमें दो कैटेगरी है, एक्चुअली IS कोड एक ही है लेकिन उसमें पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री इस तरह से था, उसको क्लब करके एक कर दिया गया और पार्ट फोर जो है उसको अलग से बना दिया, तो सेम IS लेकिन उसके पार्टीशन वाइज उसको दो कैटेगरी में हम लोग बोलेंगे। मैंने जो पहला लिखा हुआ है पार्ट फोर लिखा हुआ है, मल्टीपर्पज़ AFFF कॉन्सेंट्रेट फॉर हाइड्रोकार्बन पोलर सॉल्वेंट फायर के लिए है। सो एक ये पर्टिकुलर टाइप का अगर आपको केमिकल स्टोरेज किया हुआ है तो उसमें ये वाला यूज़ करना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, टेस्टिंग क्राइटेरिया किस तरह से स्टोरेज करना है, उसके जितने भी स्पेसिफिकेशन रहेंगे वो सारा आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर। ओके दोस्तों, अभी हम लोग हमारा दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि 16 नंबर का जो सीरीज़ चालू हो रहा है फायर पंप के बारे में, IS था 12469, 2018 का स्टैंडर्ड था, अभी यही चल रहा है लेटेस्ट। उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ पंप्स फॉर स्टेशनरी फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, जहाँ पे भी हमारा फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होता है उसमें पंप कौन सा लगाना है, कैसा लगाना है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है और पंप के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, उसका टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी डिटेल जो है वो आपको फायर पंप से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड के अंदर मिल जाएगी। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रेंट सिस्टम के ऊपर जाते हैं। हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो मेनली दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो दोनों के हिसाब से दो अलग अलग स्टैंडर्ड है। एक्सटर्नल के लिए हम लोग 13039 2014 का स्टैंडर्ड है, 2019 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीअफर्म किया, जिसके अंदर प्रोविज़न एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम, जो जो जिस बिल्डिंग को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसके बाहर की तरफ अगर आप लगा रहे हो हाइड्रेंट सिस्टम, तो उसमें कैसे लगाना है, कौन से टाइप का लगाना है, उसका स्पेसिंग क्या रहेगा, उसका डिज़ाइन कैलकुलेशन क्या रहेगा, वो सारी जो डिटेल रहेगी वो आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगी। फिर दूसरा आता है 3844, 1989 में था बना हुआ, 2015 में इसको रीअफर्म किया गया, तो आज की डेट में भी वो सेम स्टैंडर्ड जो उसको फॉलो किया जा रहा है। इसके अंदर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम एंड होजरी लोज, दोनों चीज़ कवर किया है, क्योंकि हम लोग जब इंटरनल हाइड्रेंट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ होज बॉक्स हाइड्रेंट एंड ये नहीं लगाना है, उसके साथ साथ हमें होजरील भी उसके साथ ही लगाना होता है,
तो दोनों चीज़ को इसके अंदर कवर किया गया है। फिर आता है स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर। स्प्रिंकलर का डिज़ाइनिंग इंस्टॉलेशन हो किस तरह से रहेगा उसके लिए 15105 2002 में रिलीज़ किया गया था और 2018 में इसको रीअफर्म किया गया है। तो आज की डेट में भी वही जो है वो चल रहा है डिज़ाइनिंग के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का। फिर आता है कि स्प्रे सिस्टम में कौन सा आईएस हमें फॉलो करना है, तो 15325 करके हैं। 2003 में इसको रिलीज़ किया गया था और 2018 में आज की डेट में भी वही सेम स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। सो कोड ऑफ प्रैक्टिस है डिज़ाइन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स ऑटोमेटिक हाई एंड मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। उसका जो भी डिज़ाइनिंग का क्राइटेरिया रहेगा किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएगी। फिर अभी अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फॉर्म कॉन्सेंट्रेट के ऊपर बात करेंगे। फॉर्म कॉन्सेंट्रेट जो है उसमें दो कैटेगरी है। एक्चुअली आईएस कोड एक ही है लेकिन उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह से था, उसको क्लब करके एक कर दिया गया और पार्ट 4 जो है उसको अलग से बना दिया। तो सेम आईएस लेकिन उसके पार्टीशन वाइज उसको दो कैटेगरी में हम लोग बोलेंगे। मैंने जो पहला लिखा हुआ है पार्ट 4 लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ AFFF कॉन्सेंट्रेट फॉर हाइड्रोकार्बन पोलर सॉल्वेंट फायर के लिए है। एक ये पर्टिकुलर टाइप का अगर आपको केमिकल स्टोरेज किया हुआ है तो उसमें ये वाला यूज़ करना है। तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, टेस्टिंग क्राइटेरिया किस तरह से स्टोरेज करना है, उसके जितने भी स्पेसिफिकेशन रहेंगे वो सारा आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगा। और दूसरा वाला है 4989 2003 2018 में इसको भी रीअफर्म किया गया। फॉर्म कॉन्सेंट्रेट मैकेनिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसको बंद कर दिया। सो नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ मैकेनिकल फॉर्म। मैकेनिकल फॉर्म जो है उसमें भी दो कैटेगरी आ गई है, दोनों स्टैंडर्ड को डिवाइड किया गया। सो यू कैन रिफर दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो। अभी हम लोग बात करेंगे मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर जो है उसमें भी दो स्टैंडर्ड है अभी हमारे पास। एक है 8442 2008 में इसको बनाया गया था, 2018 में इसको रीअफर्म किया गया। स्टैंड पोस्ट टाइप वाटर एंड फोम मॉनिटर फॉर फायर फाइटिंग पर्पज़ इसको बनाया गया था। और दूसरा वाला जो था 15811 करके 2008 में बना था, 2018 में इसको रीअफर्म किया गया। लॉन्ग रेंज वाटर कम फोम मॉनिटर ये भी एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है, इसको भी आप रिफ़र करेंगे तो बहुत सारा आपको टेक्निकल डिटेल जो है उसको जानने को मिलेगा। फिर आता है सेफ्टी साइनेस से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड जो है वो मैंने कवर किया हुआ है। 9457 2005 में बना हुआ था, 2016 में इसको रीअफर्म किया गया। सेफ्टी कलर एंड सेफ्टी साइनेजेस है यानी आपका जो भी बिल्डिंग प्रीमाइसिस है जो भी फैक्ट्री वगैरह उसका सेटअप किया हुआ है उसमें कौन से सेफ्टी के कलर होने चाहिए, जहाँ पे हैजार्ड के लिए किस तरह से होना चाहिए, वार्निंग के लिए किस तरह से साइन होना चाहिए। सेफ्टी साइनेज अगर कोई सेफ्टी का सिंबल जैसे असेंबली पॉइंट हो गया या फर्स्ट एड हो गया या फायर एग्जिट हो गया एग्जिट हो गया, तो ये सब के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल जो आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर से मिल जाएगी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के लिए। उसमें मैंने तीन स्टैंडर्ड कवर किए, उसके अलावा और भी स्टैंडर्ड है जिसको आप इसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई भी एक स्टैंडर्ड डाउनलोड करेंगे उसके साथ जितने भी रिलेटेड स्टैंडर्ड है उसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख के पर्टिकुलर जो मैंने मेथड दिखाई हुई है उसमें से आप पर्टिकुलर जो भी स्टैंडर्ड चाहिए आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2189 2008 में बना हुआ था, 2018 में इसको रीअफर्म किया गया। तो आज की डेट में भी यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है जिसमें सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम है। पूरी डिटेल इसके अंदर मेन स्टैंडर्ड यही है। इसके अलावा 15908 2011 है, 2017 में इसको रीअफर्म किया गया था। कोड ऑफ प्रैक्टिस सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंडिकेटिंग इक्विपमेंट यानी फायर अलार्म पैनल जो रहेगा और इंडिकेटिंग इक्विपमेंट जिसमें आपका साउंडर और ये डिटेल आ जाती है। उसके बारे में ये पूरा डिटेल है आपको इसमें से मिल जाएगा। फिर आता है 11360 1985 2015 में इसको रीअफर्म किया गया। स्मोक डिटेक्टर किस तरह से होने चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, किस प्रकार के होते हैं टाइप्स और उसका टेस्ट, ये सारी डिटेल जो आपको ये स्टैंडर्ड के अंदर मिल जाएगी। तो आज अभी ये जो वीडियो है उसके अंदर मैंने फायर पंप, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर स्प्रे, फोम कॉन्सेंट्रेट, मॉनिटर, सेफ्टी साइनेज, फायर अलार्म के टॉपिक जो है और उससे रिलेवेंट जो भी स्टैंडर्ड है उसको कवर किया गया। आई थिंक इसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो एक और मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद आएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।